नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पतंजलि दिव्य पारिजात कवाथ के फ़ायदे के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। ये दोस्तों एक आयुर्वेदिक औषधि है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जो कि पारिजात कवाथ के नाम से मिलता है। और इस कवाथ का जो है काढ़ा बनता है, इसके अंदर जो इंग्रीडियंट है, जो इसका जो जो इंग्रीडियंट्स है मेन चीज़, वो पारिजात है। ठीक है, तो इसको जो बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पारिजात कवाथ इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम करता है। पुराने से पुराना बुखार, किसी भी प्रकार का बुखार हो, है ना, ज्वर की समस्या है, बुखार की समस्या है, खांसी सर्दी जुकाम, छींकें आना, सांस से जुड़ी समस्या, नाक का बहना, छींक आना, एलर्जी जैसी समस्या के अंदर ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ठीक है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा यह इन समस्याओं में, खांसी सर्दी जुकाम, नाक बहना, छींक आना जैसी समस्या में, गले की समस्या में, गला खराब है, खराश है, उसमें दिया जाता है। दूसरा, जिन लोगों को हड्डियों से जुड़ी समस्या है, वात की समस्या है, गठिया है, आर्थराइटिस है, हड्डियों में जोड़ों में दर्द रहता है, मसल्स पेन रहती है, ऐसे लोगों को भी ये काढ़ा बनाकर पिलाने की सलाह दी जाती है। इसका काढ़ा कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके सेवन की जो विधि है, जो कि पतंजलि दिव्य कंपनी की तरफ से है, तो 2 से 4 ग्राम कवाथ को आप जो है 200 मिलीलीटर पानी के अंदर गर्म कर ले, खोलाएं, पकाएं। जब वो 50 मिलीलीटर शेष रह जाए, बच जाए, तो उसे छान ले छलनी से और ठंडा करके खाली पेट सुबह और शाम को पी सकते हैं। ठीक है, सुबह नाश्ते से पहले पी सकते हो, शाम को भी इसी प्रकार से पी सकते हैं, खाने से 1 घंटे पहले, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसे लेने से पहले अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श भी जरूर कर लें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही।